हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू गार्डन। और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे इस टोमेटो प्लांट की केयर के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरह से अगर आपने भी अपने यहाँ टोमेटो का प्लांट लगाया हुआ है तो आप इनकी किस तरह से केयर करें कि ये आपका बहुत हेल्दी हो और इससे आपको अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिल सके। तो पहली बात आती है फ्रेंड्स, अगर आप टोमेटो के प्लांट को लगाते हैं तो कुछ एक टिप्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पे फ्रेंड्स इसमें आता है आपका पॉट सिलेक्शन। जब भी आप टोमेटो का प्लांट लगा रहे हैं तो आप इसको कोई बहुत छोटा गमला प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसको कम से कम आपको देना होगा 12 से लेके 15 इंच तक का पॉट आपको देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा छोटा प्लांट था तो मैंने फ़िलहाल अभी इसको 10 इंच का पॉट दिया है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं इसको चेंज कर दूंगी और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि बड़ा पॉट हमको इसलिए देना होता है क्योंकि ये जो इसकी रूट्स होती हैं ये नीचे काफ़ी गहराई में जाती हैं, और अगर आपका पॉट शैलो होगा तो इनकी रूट्स अच्छे से गहराई में नहीं जा पाएंगी। और जब इनकी रूट्स गहराई में जाती हैं तो उसके बाद ही इसमें फिर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। सेकंड, आपको कोशिश करना होगा कि आप इसको किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, बस प्लास्टिक पॉट थोड़ा अवॉइड करिएगा। आप सीमेंट का हो या फिर आपके पॉली बैग्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। बस ये है कि आप कम से कम 20 इंच या फिर 18 इंच से कम का बैग मत दीजिएगा। सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स इसका सॉइल मिक्स। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो आपको अपने टमाटर के प्लांट की जो सॉइल है इसमें वाटरिंग आपको कंसिस्टेंसली करना होता है, क्योंकि इसको ड्राई सॉइल पसंद नहीं होती, ना ही इसको बहुत सॉगी सॉइल पसंद होती है जो कि एकदम गीली कीचड़ वाली मिट्टी, वो नहीं पसंद होती है। इसको अपनी मिट्टी में एक मॉइस्चर पसंद होता है। तो जब आप इसको लगा रहे हैं तो इसके सॉइल मिक्स में आप 60% एटलीस्ट आप अपने गार्डन की सॉइल लेंगे, उसमें 30% आप कंपोस्ट लेंगे। कंपोस्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, काउडंग ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और 30% या 20% आप उसमें कोकोपीट ज़रूर ऐड करिए। कोकोपीट से क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपकी मिट्टी में एक नमी बना के रखता है, आपकी मिट्टी को एकदम ड्राई नहीं होने देता और एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो सनलाइट आता है। क्योंकि देखिए, जो टोमेटो है वो ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट होता है। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स आपका गर्म इलाकों का प्लांट होता है टोमेटो। तो इसको अच्छी सनलाइट वाली इस जगह पे आपको रखना होता है, जिसमें आपको कम से कम 8 घंटे की सनलाइट देना मस्ट होता है। मतलब 8 घंटे की आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट दीजिए, और अगर कम से कम भी दे रहे हैं तब भी आप इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे आप, तो ये आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसमें आप जो है इसकी मिट्टी में बस एक नमी बनी रहना चाहिए, मिट्टी आपकी कभी भी एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से इसका ख्याल रखेंगे। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आप जब इसको नर्सरी से पौध लेकर आते हैं ना, तो इसको ये नीचे वाला ये कुछ जो स्टेम होता है, मैंने इसका काफ़ी काट के इसका, मैं तो जब लाई थी तो बहुत छोटा था मेरा प्लांट, मैंने इसको काफ़ी अंदर दबाया हुआ है मिट्टी में। तो जब भी आप छोटा प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो कोशिश करिए कि उसको मिट्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छे से दबा दीजिए। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स वाटरिंग की। तो वाटरिंग आपको, जैसा कि मैंने बताया कि टोमेटो की सॉइल में उसको एक मॉइस्चर पसंद होता है, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि वाटरिंग में आप 2 वाटरिंग के बीच में आपकी मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर 2 वाटरिंग के बीच में आपकी मिट्टी ड्राई हो गई तो इसके फ्रूट्स वगैरह जो फ्लावर्स आते हैं वो झड़ जाते हैं समटाइम्स। और अगर ये है कि फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है लेकिन ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको कोशिश ये करना। और एक चीज़ और, जब आपके प्लांट में फ्लावर्स आने लगे तो उस टाइम में आपको वाटरिंग थोड़ा समझ के करना है, उस टाइम में वाटरिंग थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि अगर आप फ्लावर्स आने के बाद वाटरिंग आप ज़्यादा करते रहेंगे तो उस टाइम में ये दिक्कत आएगी कि आपके प्लांट से फ्लावर्स झड़ जाएंगे, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होने पाएंगे। तो देखिए, अब बात करती हूँ कि इसको घना कैसे बना सकते हैं। इसको घना बनाने के लिए इसकी ये जो
ऊपर की ये ब्रांचेस है, हालांकि देखिए इसमें बड्स आ रही हैं, बट मैं इनको भी कट कर दूंगी। ये देखिए इसको टिप पे से आपको कट करते रहना है, और इसके अंदर अगर आप देख सक रहे हैं तो ये देखिए ये कली आ रही है। ये बहुत छोटे ही एज से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। देखिए इसमें फ्लावर बन रहा है ये, लेकिन अभी हमें तो फ्लावर चाहिए नहीं। तो इसकी आप ऊपर ऊपर से पिंचिंग कर देंगे, और ये नीचे से भी मैं इनको कट कर दूंगी। ये देखिए ये चीज़ इसको नीचे से भी कट कर दूंगी। ये बस इस तरह से कट कर देंगी। टोमेटो ऐसा प्लांट है फ्रेंड, इसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए ये स्टिक है ना, ये देखिए इस तरह से मिट्टी के अंदर अच्छे से लगा के और इसको टाई कर दूंगी। यहाँ पे भी इससे अच्छे से पकड़ के ऐसे बीच में बांध दूंगी, तो फिर जो हवा हवा चलेगी तो ये प्लांट इधर उधर नहीं होगा। इसके सॉइल मिक्सचर में ये देखिए इसकी रूट्स ऊपर आ रही है ना। अब मैं गमले में और मिट्टी फिल करूंगी, क्योंकि इनको रूट्स काफ़ी गहराई में जाती हैं, और ये देखिए ये ऊपर ऊपर से इसकी रूट्स आने लगी। अब आती है बात फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र, आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे देखिए आप, ये मेरा प्लांट बहुत छोटा है, तो अभी मैं इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी कि जो कि मेरे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करे, मेरे प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस करे, और जब मेरा प्लांट थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उस टाइम में इससे फ्रूटिंग भी मुझे लेना है, तो उस टाइम में मैं इसे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दूंगी, जिससे कि मेरे प्लांट में फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो। तो अभी इस टाइम में जो मैं दूंगी, ये देखिए हमारे यहाँ बारिश आज कई दिन से हो रही है लगातार, रुक रुक के कल भी हुई है, तो वाटरिंग तो नहीं करना मुझे। इस तरह से अच्छे से अपने प्लांट की आप गुड़ाई कर लीजिए, इतनी गुड़ाई कि इनकी जो रूट्स है ना ये आपको दिखने लगे। इस तरह से देखिए मैंने गुड़ाई कर ली, और ये आज मैं इसमें देने वाली हूँ फ्रेंड्स ये 4 फर्टिलाइज़र। ये देखिए ये आपका फुली डिकम्पोस्ट काउडंग है, ये ऐड करूँगी इसमें। इसमें मैं दूँगी बोन मील, ये देखिए ये बोन मील फर्टिलाइज़र है, ये ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये आपका नीम के एक फर्टिलाइज़र है, जो कि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और साथ के साथ 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सीवीड दे रही हूँ, सीवीड ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, तो ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे करेगा। तो इस तरह से इन 4 फर्टिलाइज़र को हल्की हल्की गुड़ाई करके काउडंग भी इतना दूंगी कि जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ तेज करे। बस इस तरह से फ्रेंड इन 4 फर्टिलाइज़र को ऐसे मिक्स करके डाल दूंगी, और इसके बाद फिर मैं जो इसमें नेक्स्ट फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी वो फ्रेंड्स मैं इसमें दूंगी 1 हफ्ते के बाद। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट फर्टिलाइज़र अब मैं इसको फर्टिलाइज करूँगी आफ्टर 20 डेज, क्योंकि ये सारे बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं और धीरे धीरे मिट्टी में ये अपना रिलीज होते रहेंगे। इस तरह से ये सब डाल दिया, इसके नेक्स्ट साइड में भी हल्की हल्की गुड़ाई मस्त होती है। आप इस प्लांट में 1 हफ्ते में 1 बार हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, थोड़ा डीप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद प्लांट को छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से देखिए मैंने सारा पूरा इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देना है। कभी भी फर्टिलाइज़र को आप ऊपर मत दीजिए, अगर आपने ऊपर दे के छोड़ दिया तो वो इतने अच्छे से डिकम्पोज जल्दी नहीं होगा, और आपके प्लांट की जो ज़रूरत है उनको वो जल्दी फुलफिल नहीं करेगा। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं अभी एक हल्की सी पतली सी मिट्टी की लेयर लगा दूँगी कि जिससे ये सब अच्छे से अंदर हो जाए। और वैसे भी बस इस तरह से करने के बाद इसको मैं अभी रख दूँगी धूप में डायरेक्ट, और ये अच्छे से डिकम्पोस्ट होता रहेगा। और यही फर्टिलाइज़र अब मैं कम से कम 2 महीने तक ये फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी, इसमें अलावा बदल के दूँगी दूसरा। वो मैं क्या देती हूँ, मेरे प्लांट की क्या ग्रोथ रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।